हेलो गाइस, हम आ चुके हैं अपने सऊदी अरेबिया के जद्दा ग्राउंड पे। बैक टू बैक जद्दा टीम और मक्का टीम के बीच में पतंगबाजी होते हुए, और ये लास्ट दो मैच मक्का टीम ने बहुत ही अच्छे जीते, और आज तीसरा मैच होता हुआ जद्दा और मक्का के बीच में। तीन टिकट फैसल भाई लेकर के आते हुए अपोजिट साइड के जद्दा के। नीचे से फरीद बैक टू बैक तीन काट चुके हैं, और अब लड़ाने के लिए आए हैं मिस्टर नौशाद। बाहर का मुड्ढा पे तेज गद्दा मारने का फुल प्रयास, और ये लास्ट मोमेंट में खींचे थे, पहले ही काट दिया बैक टू बैक चार। एंड ये हमारी जद्दा की टीम मिस्टर शाहनवाज स्वीट कंट्रीब्यूट करते हुए, शानदार पतंगबाजी होते हुए, और आज मिस्टर शानू भी ने टीम में वापसी करी है। और ये फरीद भाई का बेस था, फरीद भाई ने बैक टू बैक फिर से काट दिया, अंदर की तरफ झटक दिया। मिस्टर फरीद चार पेज बैक टू बैक काट चुके हैं, ऊपर से लड़ा रहे थे, ये डोर फेंकी और बल पे पतंग अब चूस क्या चल रही है, और ये पतंग भाई ने बचा के ले आए तोखिया वाली, और हाँ तेज खींचते जा रहे हैं। और ये जबरदस्त फरहान की तरफ से गद्दा मारने का प्रयास, वहीं बाहर का मुड्ढा लेकर के फरीद ने खींच ली। बढ़िया पेज इस स्कोर के साथ फरीद पहुंच गए पांच पे। ऊपर से अब लड़ाने के लिए आए मिस्टर नौशाद, और अब हम आ गए पेज की तरफ। बढ़िया जुमे का तीन टिकट की पतंगबाजी होती हुई, बैक टू बैक टू टाइम मक्का विन हो चुका है, और एक लास्ट जो मैच हुआ था बहुत जबरदस्त, जिसमें हारा हुआ गेम मक्का ने जीता था, और आज चार टिकट बढ़ पे भी चल रहा है मक्का। और नौशाद ने बाहर का मुद्दा रखा लेकिन अंदर का खींचा, और ये जबरदस्त दिखाया कोच और किया कोच, बाहर का दिखा करके अंदर का खींच दिया। बढ़िया पेच मिस्टर फरीद की तरफ से, सातवें पेच के लिए रेडी, छह काट चुके, सात उड़ाने के लिए जा रहे मिस्टर फरीद। अब हम आ जाते पेच की तरफ इनके, भाई ने जबरदस्त झटके में ही रोके रहे, साथ हो गए, खूबसूरत पेच। आज मक्का की तरफ से दो साथ हुए, एक मिस्टर शाहिद ने काटा और एक हमारे मिस्टर फरीद भाई ने, जबरदस्त आज होते हुए जद्दा की तरफ से लड़ाने के लिए आ रहे हैं मिस्टर फरहान। आठवां पेच जद्दा की टीम में सन्नाटा छा गया बिल्कुल अपोजिट साइड बिल्कुल, और इधर फरीद ने, फरीद भाई रेडी अपना आठवां पेश लगाने के लिए। सही की आवाज आते हुए तोखिया वाली पतंग फरहान की जगह बनाई, बाहर का मुड्ढा खींचने का फुल प्रयास, और अंदर की तरफ टेक दी। ओए होए, लास्ट में चेहरा लड़ा दिया, लेकिन बहुत ही अच्छा खींचने का प्रयास था, लेकिन कोई बात नहीं, फरीद ने अच्छे पिच काटे साथ। और ये देखिए इनके हाथ में गुच्छा बन गया था खींच की वजह से, चलिए कोई बात नहीं। चांस मिली
हाथ दिखाइए जरा, या मैं व्यूअर्स को हाथ दिखाते हुए। शाहिद ऊपर से लड़ा रहे, नीचे से फरहान, दोनों ही पतंगे पेच में, तालमेल बराबर, जगह बनाई तेज, अंदर की तरफ दौड़ के आ चुके हैं। और ये शाहिद ने फुल टॉस गद्दा मारने का फुल प्रयास, और ये खींचना जहां चाहा वहीं पतंग उनकी कटी। बढ़िया पेच शाहिद का, पावरफुल गद्दा। शाहिद भाई आगे आने लगाने के लिए, शाहिद भाई अभी बताइए, जब तक कि आप आगे पहुंचते हैं तो बताइए अभी आपके पास कितने टिकट सेफ होंगे। अभी इनके पास 11 टिकट सेफ है और आधे घंटे की पतंगबाजी बची हुई है, और खूबसूरत इन्हीं ने साथ काटे। से जगह बनाई तेज, दो हाथ थपक्कों पे पतंग ऊपर की तरफ उठा करके लेकर के आए, भाई ने बल पे रखी और तेज गद्दा मारा, वहीं शाहिद ने खींच लिया। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त, फुल टॉस, पावरफुल वाला गेम, ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हुए मिस्टर शाहिद। अपोजिट साइड से कौन था, अपोजिट साइड से मिस्टर इमरान लड़ा रहे थे। नूर शाहिद से हल्का सा मौसम में नमी आई है क्योंकि पास में ही समुंदर है, और ये पट मारा लेकिन जोर नहीं आई, और भाई ने वही जगह बना करके फूल घेरने की कोशिश, लेकिन फूल पतंग को अपनी महफूज बनाते हुए, और ये पप्पी ली थी बच गई जैसी, नहीं आई, दोनों ही पतंगे आपस में पप्पी ले ली थी नहीं आई, फुल बढ़िया पतंग अपनी बचाई। फिर से आएगा पेच, जगह बनाई तो हाँ तेज अंदर की तरफ दौड़ करके आए, मुंडा भाई ने नहीं रखा, मुंडा रखा भाई ने, अब भाई ने आवाज लगाई सही, तेज अंदर की तरफ आए, थपक्कों पे पतंग लेकर के आए, चढ़ाते हुए थोड़ा और तेज, टॉल जगह बनाई, एक मुट्ठी पे चढ़ा करके लेकर के आए, वहीं थपक्कों पे पतंग को पल पे रखा, लेकिन नहीं यार, भाई ने वापस फिर से चेहरा मारने का कोशिश, लेकिन नहीं, डोर नहीं आई, चेहरा लड़ाते हुए बैक टू बैक दोबारा फिर से पतंग बचाई शाहिद ने। फिर से आएगा पेच, तेज अंदर की तरफ आए, अब आए फिर से आवाज सही, अंदर गए, वही भाई ने भी पतंग रखी नीचे, पहाड़ का चेहरे की तरफ दौड़े, और नूर की पतंग थोड़ी सी सुन पहाड़ दो थबक्कों पे लेकर के आए, तेज वहीं पे और तेज खींच ली, और ये जिसका बार बार ये प्रयास कर रहे थे नूर चेहरा लड़ाने की, लेकिन अच्छा पेच काटा, बढ़िया पेच, बहुत समय लिया इस पेच के लिए। इधर सामना करने के लिए रेडी है मिस्टर फैसल जी, हाँ चलिए दोनों पतंगे पेज की तरफ, सही की आवाज आती है, और ये देख दी कत्ता मारा, झटके मार दिए फैसल भाई ने, पेच अपने नाम किया, बढ़िया पेच फैसल भाई की तरफ से। अब जाने के लिए
और एक बार फिर से लड़ाने के लिए रेडी है मिस्टर नूर। और अब हम आ जाते हैं इनके पेज की तरफ। भाई, भाई। सही की आवाज़ आती है दोनों तरफ से। टूट गई। और ये सही की आवाज़ लगाने के बाद समीर की पतंग टूट गई। बिल्कुल सही होने के बाद पतंग टूटी, बिल्कुल पेच मिल गया भाई को। इस वक्त मिस्टर इमरान आ रहे लगाने के लिए नीचे। पेच में बिल्कुल रेडी मिस्टर इमरान। अच्छा पतंग सही की आवाज़ आ गई। और ये चुस्कियाँ लग गई, बिल्कुल बिल्कुल चुस्कियाँ चल रही है। भाई ने बहुत ही अच्छी जगह पे लाकर पतंग पट मारी और देखते हैं किसके हक में फैसला आता है। पतंग अलग हो गई, दोनों ही पतंग अलग। पेच नहीं आया। और इस वक्त लड़ाने के लिए आए हैं मैं फरहान भाई और पहुंच गई पतंग पेच में। सही की आवाज़ आते हुए छोड़ दिया और तेज और ये यहाँ पे ला करके चुस्कियाँ चल गई। और वाह वाह वाह। और ये डोर फेंक दी थी यहाँ पे फरहान ने। अच्छा पेज था ये फरहान की तरफ से। शाम का समय हुआ है, 15 मिनट से बचे हुए एंड ऑफ द डे लास्ट होने में। और इस वक्त 12 से 13 टिकट इस वक्त मौजूद है मक्का वालों के पास। और दूसरी साइड अगर हम देखें जद्दा में काफ़ी ज़्यादा खलबली, बिल्कुल टेंशन में पतंगबाजी होते हुए। और कोशिश रहेगी कि कोई एक आध पतंग हाथ में सेट कर लें और कवर कर लें। और इस वक्त आगे लड़ाने के लिए आए मिस्टर यूसुफ। और ये यूसुफ पेच लड़ाने के लिए रेडी। और काट करके इनको ऊपर से दिया था मिस्टर शाहिद ने। शाहिद लड़ा रहे ऊपर से। सही की आवाज़ आते हुए दोनों तरफ से।
ओए होए क्या बात है, बढ़िया पिच लास्ट में कहाँ से कहाँ पतंग आ गई शाहिद की, बढ़िया पिच फुल पावर ताकत वाला। और इस वक्त फैसल भाई आ रहे हैं, शाहिद की पतंग थोड़ी सी ऊपर से नीचे चलाने वाली नहीं है, खराब है इसलिए ऊपर से चलाने उन्होंने चांस दिया है फैसल और ऊपर चलवाने के लिए रेडी है इस वक्त फरहान। अरे वाह 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 क्या बात है, बढ़िया पेच एक ही मुड्डे पे ला करके झटके 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 बढ़िया पेच फैसल भाई की तरफ से हमारे, अच्छा पेच काटा फैसल भाई ने। और इस वक्त लड़ाने के लिए आए हैं मिस्टर इमरान ऊपर से लड़ाने के लिए, बिल्कुल दोनों ही पतंगे पहुंच गई पेच में बराबर। लेट कर दिया कोई बात नहीं, भाई ने घेर करके भाई लड़वा दिया, इमरान आगे आते हुए लड़वाने के लिए, अच्छा पेच काटा ऊपर से भाई ने, ऊपर से लड़ाने के लिए आए हैं मिस्टर शाहिद और भाई नीचे से आए, दोनों ही तरफ से आवाजें आती हुई सही की। और ये भाई ने भर्रा फेंक दिया था वहीं पे झोल लगा करके सुहा कर दिया, शायद ने भर्रा फेंका हुआ था भाई को पता नहीं चल पाया, अच्छा पेच खींचने का फिर प्रयास था, बढ़िया पेच नूर की तरफ से अच्छा ताकत वाला, अच्छा पेच बाहर निकलता खींचा मिस्टर शानू आगे आते हुए। और शाहिद रेडी लड़ाने के लिए, और ये देखिए पीछे से पतंग आती हुई, पीछे भी पतंगबाजी हो रही है, एक टीम आज वहां पतंगबाजी कर रही है। शानू और शाहिद पेज की तरफ नीचे वाली पतंग शानू ऊपर से शाहिद बैक टू बैक ऊपर से काटते हुए जगह बनाई, दो हाथ तेज अंदर की तरफ दौड़े, फिर वही शानू ऊपर थोड़ी सी चढ़ा करके लेकर के आए, वही शाहिद पतंग जगह बनाई तेज और अंदर की तरफ, ओए होए अंदर की तरफ झटका तेज खींची, बढ़िया पेच अच्छा पेच था शाहिद का, ये ऊपर से कमाल पैक पैक काटते हुए। और ये मिस्टर आदिल स्टार प्लेयर, कल इन्हीं ने बहुत ही जबरदस्त और अच्छा मैच विन कराया था, एक मैच इन्हीं ने विन कराया मक्का को, उसमें ऊपर से एक काटा बैक टू बैक जाकर के नीचे से पांच काट करके विन करा दिया, सामने वाले को चांस भी नहीं दिया, बढ़िया देखते हैं इस वक्त चांस में पतंग लेते हुए मिस्टर आदिल। अपोजिट साइड से लड़ाने के लिए खड़े हैं मिस्टर फरहान,
से आवाज आती हुई सही। आज मक्का ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करी, हालांकि जद्दा वालों को मैं बुरा नहीं कहूंगा, उनके पास भी अच्छा अनुभव, कमाल का बढ़िया बेहतरीन, या आप ये कह लें कि कुछ लक जबरदस्त और अच्छा उनके साथ में, और बढ़िया पेच पलट करके घुमा दिया, अच्छा पेच मिस्टर आदिल की तरफ से, जिसकी मैं बात कर रहा था। शाम का समय, अच्छे खासे टिकट इस वक्त मक्का वालों के पास है। आज जो सुबह से पतंगबाजी हो रही थी, दोपहर से 3 बजे से बराबर का ही गेम चल रहा था, अभी शाम के समय शाहिद ने 1-7 काटा, फरीद ने 1-6 काटा, तो बैक टू बैक, और हर एक पतंग से 2-3 हर प्लेयर काट रहा है, तो आपकी टीम की झोली में अच्छे खासे टिकट गिरते हैं ऑब्वियसली। और इसी के साथ दूसरे पेज के लिए मैं रेडी, मिस्टर आदिल छक्का बनाएंगे तेज, मिस्टर शादाब छक्का बनाई, नहीं खींचने का फुल प्रयास, लेकिन रोक ली भाई ने पतंग। चुस्किया चल ली, और ये भाई की चरखी फंस गई थी लास्ट मोमेंट पे, डोर नहीं निकल पाई, चरखी गिर गई भाई की। कोई बात नहीं, आपने अच्छा पेच काटा था। और ऊपर से लगा रहे मिस्टर शाहिद, बैक टू बैक काट चुके थे, पेच ये टाइमिंग से भाई ने झटके मार दिए, और शायद ने भी अच्छे पेच काटे थे ऊपर से, और इस वक्त मिस्टर फैसल ऊपर से लड़ाने के लिए आए, नूर और फैसल का तो पेच लड़ेगा। सही की आवाज आती हुई दोनों ही साइड से, पतंग चलाने का फुल प्रयास, और वहीं ठुनठुना दिया पतंग, अच्छा पेच मिस्टर नूर की तरफ से, तपक्को भी लेकर के आया, पतंग चला दी, अच्छा पेच, और अब लड़ाने के लिए रेडी है मिस्टर फरीद। फरीद और भाई की तरफ से अंदर का टेकने का प्रयास था, लेकिन अच्छा पेच फरीद की तरफ से भी, अपोजिट साइड से लड़ाने के लिए मिस्टर शादाब, और इस वक्त फरीद की पहुंच गई है पेच में। भाई की तरफ से आवाज आई, गिरा करके नीचे चक्का बनाइए, वहीं पे बल पे काट दिया, बढ़िया टाइमिंग शुरू की भाई ने पतंग, और अच्छा पेच लड़ाने के लिए आए मिस्टर यूसुफ। पेच में पहुंच गई पतंग, मिस्टर फरीद और यूसुफ दोनों आपके सामने, सही की आवाज आती है, दौड़ फेंकी थी और बल पे रख ली, चुस्किया चल रही है, और ये लास्ट मोमेंट पे शायद पट मारना चाह रहे थे, और ये वहीं पे पतंग कट गई, अच्छा पेच काटा भाई की तरफ से
मिस्टर यूसुफ ज़बरदस्त कलरफुल पतंग पार होते हुए। इस वक्त फरहान आया लड़ाने के लिए, समीर ने काटने के बाद आदिल भाई को चांस दिया और अब हम जाते हैं पेज की तरफ। नीचे वाली पतंग आदिल की सही की आवाज़ आते हुए दोनों तरफ से, दूर फेंकी थी, लालच थी और ये बढ़िया पेच फरहान भाई की तरफ से। काटने के बाद फरहान ने आगे बुलाया समीर आगे लड़ाने के लिए पेच की तरफ। इस वक्त हैंड ऑफ तेज चल रहा है लास्ट टाइम और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा टिकट मक्का की झोली में है और अभी टिकट काउंटिंग होगी तो पता चलेगा कौन ज़्यादा पढ़ पे है। बिल्कुल ऑब्वियसली मक्का पढ़ पर है और अभी काउंट किए जाएंगे टिकट तो पता चलेगा कितने टिकट इनकी मक्का की झोली में है। और ये खींच लिया बिल्कुल कलाबाजी खाते हुए समीर को गिरा दिया। बढ़िया पेच अच्छा था समीर फरहान का पेच। लास्ट पतंग आती हुई उसके बाद टिकट कौन किया जाएगा कि कितना टिकट अवेलेबल है मक्का के पास। इस बार अपोजिट जनता की तरफ से भी एक ही पतंग लगी हुई है। फरहान बैक टू बैक दो काट चुके हैं। एंड ऑफ लास्ट पेच होता हुआ जद्दा और मक्का के बीच में, उसके बाद टिकट काउंट किया जाएगा कि किसके पास किसकी झोले में ज़्यादा कितने टिकट अवेलेबल हैं मक्का के पास। नीचे से फैसल छक्का बनाई तो हाथ तेज अंदर की तरफ दौड़ करके आए थे भाई ने, फिर बाहर का मुड्ढा लिया और सीधा ऊपर की तरफ उठा करके लेके आए। वहीं फरहान ने पतंग रख दी और ये चुस्कियाँ पेपल पे पतंग रोकी और काट दिया। इसी के साथ अभी भी अच्छे खासे टिकट हैं इनके पास। 2 शतकों के बड़े स्कोर के साथ आज मक्का ने गेम जीत लिया है 14 टिकट से। तो गाइस आज का डे होता है यहीं पे फिनिश। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।